सात से मालूम है उनको घसीटते हुए पर्दे से आजा मिले जाता है। रिवाइज कहती है कि साहिब आजा खाने के यहाँ ये दस्तूर था कि जब मजलिस में मसाइब पड़े जाते हाजरी के महफिल खड़े होते और गिरिया शुरू करते साथ मातम करते और साथ गिरिया करते। अभी सातवीं मुहर्रम थी कि जिसकी रात हजरत अब्बास से मंसूब है। जाकिर ने मसाइब अब्बास शुरू किए, मजमा खड़ा हुआ, मातम शुरू किया, गिरिया शुरू हुआ। उस लम्हे में मुखिलफ खड़ा हो गया, वो शख्स जो सात साल खड़ा नहीं हुआ मस्जिद अब्बास अलमदार में खड़ा हो गया और कहता है कि मुझे अब्बास ने खड़ा किया है। मजमे ने उसको पकड़ लिया, तबरजन उसके कपड़े फाड़ डाले, उसको अजा खाने ने बंद कर दिया। जब मजमा रुका, थोड़ा हौसला हुआ, उसको बाहर बुलाया और लोगों ने पूछा है मुखिलफ खड़े कैसे हो गए। मुखिलफ कहता है जब जाकिर ने मसाइब अब्बास शुरू किए सब खड़े हो गए, मुझ पे मलूकी तारी हो गई। क्या देखता हूँ कि एक बुलंद कामत वाली शख्सियत है कि जिनके चेहरे से नूर वाजे है, सफेद रंग की राहवार पे सवार है, मेरे पास आए और कहते हैं मजलिसे अब्बास में मातम क्यों नहीं करते। मैंने कहा आका मैं उठ नहीं सकता। कहने लगे उठो मजलिसे अब्बास में मातम करो। वो मिलक कहता है आका अपना हाथ पकड़ाए कि मैं उठ सकूं। हजरत अब्बास कहते हैं कि मेरे बाजू नहीं है, मेरे राहबार की रकाब पकड़ो और खड़े हो। ये कहना था कि वो मुखिलफ ने राहबार अब्बास अलमदार को पकड़ा, राहबार ने एक झटका दिया और मुखिलफ खड़ा हो गया। मजलिसे अब्बास में मातम का अजर है।